हेलो मेरे प्यारे व्यूअर्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाली है पांच ओपन वर्ल्ड गेम्स के बारे में। और कोई ऐसे वैसे ओपन वर्ल्ड गेम्स नहीं, जिनके अंदर आप लोगों को अच्छी ग्राफिक्स मिल जाएंगी, कुछ कमाल का एक्शन करने के लिए मिलेगा, साथ ही में या तो गेम नए होने वाले हैं या फिर अंडर रेटेड होंगे। भाई चलिए आप और हम साथ मिलकर के पता करते हैं उन गेम्स के बारे में। और अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो कर दीजिएगा लाइक, और ऐसी वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वो तो आप लोग करेंगे जब वीडियो को एंड तक देखेंगे। चलिए फिर मेरे भाइयों, इस बाहेदार वीडियो करते स्टार्ट एंड बात करते हैं हमारे फर्स्ट गेम की, जो की है जॉबलेस लाइफ। इस गेम में कहानी दिखाई गई है एक आम इंसान की, जो कि सारी जिंदगी मेहनत करता है, हसल करता है एक अच्छी जॉब को पाने के लिए, ताकि फिर बाद में वो अपनी पसंद की चीजों को खरीद सके और एट द एंड ऑफ द डे अपनी जिंदगी को मजे से जी सके। सो अगर आप लोग इस गेम को जूम आउट करके ओवरऑल एक बिग पिक्चर देखते हैं, तो आप लोगों को ये हर आम बेरोजगार की कहानी लगेगी, जहां उसे एक जॉब चाहिए, खुद का एक बड़ा बिजनेस भी खड़ा करना है, और यहां पर सर्वाइवल सिस्टम है, तो हम लोग ग्रोसरीज की शॉप से खाना वगैरह खरीद करके खाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, हर प्रकार की व्हीकल आप लोग को ड्राइव करने के लिए मिल जाएगी, जैसा चाहे अपने कैरेक्टर को वैसा कस्टमाइज कर सकते हो। और रही बात गेम की ग्राफिक्स की, तो वो भी आप लोगों को अच्छी देखने के लिए मिलती है। ऊपर से गेम का साइज भी ज्यादा नहीं है, सिर्फ 300 MB का गेम है, और ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड दोनों में ही चलता है। और जब बात सर्वाइवल की चल ही रही है, तो चलिए मिलते हैं वाइडरलेस सर्वाइवल गेम से। देखो यार, सबसे पहले तो खुशखबरी की बात यह है कि ये गेम हाल ही में आप लोगों को फ्री देखने के लिए मिला है, यानी कि यहाँ पर इस गेम के दो वर्जन हैं, एक है पेड वर्जन और एक है फ्री वर्जन। और अगर आप लोग सोच रहे हैं कि ये पेड क्यों था, तो मेरे भाइयों, इस गेम की डेवलपर्स ने पीसी वाला माल मोबाइल पर दिया है। इस गेम की सीनरीज और लैंडस्केप्स को जब आप लोग देखते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि आप कोई वॉलपेपर देख रहे हैं, यानी कि अगर सरल शब्दों में समझाऊं तो गेम की जो ग्राफिक्स है, विजुअल्स है, वो बहुत प्यारे हैं। ऊपर से काफी बड़ा मैप आप लोग को देखने के लिए मिल जाता है, जिसे एक्सप्लोर करने में काफी टाइम जाएगा। सो हो जाए तैयार, यहाँ आप लोग अपनी फॉर्म को चेंज कर सकते हैं, इंसान से परिंदा बन सकते हैं और परिंदे से इंसान। डे एंड नाइट का टाइम साइकिल मिल जाएगा, अलग अलग वेदर कंडीशंस मिल जाएंगी, ब्यूटीफुल साउंड ट्रैक मिलेगा, ऊपर से गेम ऑफलाइन भी है। सिर्फ और सिर्फ 130 MB का गेम है। सो किस चीज का वेट कर रहे हो, मैं तो डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा इसके फ्री वर्जन को एक ना एक बार तो ट्राई जरूर करना। इसी बात पे चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं हमारी थर्ड गेम की, जो की है इलाइट मोटर्स 2। ये इलाइट मोटर्स फ्रेंचाइजी का दूसरा भाग है, जिसमें ऑब्वियसली आप लोगों को मोटर बाइक्स चलाने के लिए मिल जाएंगी। यार इतना तो आप लोग भी गेम के नाम से ही समझ सकते हो, लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि यहाँ पर आप लोगों को ओपन वर्ल्ड एक्सपीरियंस मिलता है, यानी कि जहाँ चाहे अपनी गाड़ियों को वहाँ ले जाएं, पूरा सिटी को एक्सप्लोर करें, और बाइक से उतर के भी आपका कैरेक्टर मूव कर सकता है। ये बात बतानी जरूरी इसलिए भी हो चुकी है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक रेसिंग गेम नहीं, बल्कि एक एक्सप्लोरेशन वाला गेम भी है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये गेम आप लोगों को काफी फीचर्स ऑफर करता है, जैसे कि बेटर कैरेक्टर कस्टमाइजेशन, यानी कि अपने मेन कैरेक्टर को जैसा कस्टमाइज करना चाहे वैसा कीजिए, उसके हेयर कट करना, कपड़ों को चेंज करना, और अगर आप लोगों के पास में काफी ज्यादा पैसे हो जाए, तो आप अपनी पसंद का घर भी ले सकते हो, अलग अलग व्हीकल्स को बाय कर सकते हो, पेट्रोल डलवा सकते हो, और डिलीवरी बॉय की जॉब कर सकते हो। अर्थात बिना सिर पैर के गाड़ियां चलाने के अलावा भी ये गेम आप लोगों को काफी कुछ ऑफर करता है। रही बात गेम के साइज की, तो वो है 200 MB, और गेम ऑफलाइन भी है। ऊपर से गेम की ग्राफिक्स भी अच्छी है। और अब वक्त है कुछ सुबाहिदार करने का हमारे फोर्थ गेम के साथ, जो की है कार ड्राइविंग ऑनलाइन। अगर थर्ड गेम को और भी ज्यादा इम्प्रूव कर दिया जाए और ढेर सारे फीचर्स उसके अंदर ऐड कर दिए जाए, तो बन करके आता है कार ड्राइविंग ऑनलाइन, या फिर मोटा मोटा यू कह दो कि भैया GTA ऑनलाइन जैसा कुछ देखने के लिए मिलेगा। क्यों भला, आइए समझाता हूँ। इस गेम के अंदर आप लोगों को रियल वर्ल्ड लोकेशंस मिल जाएंगी, जहाँ पर आप लोग रेसेस कर सकते हैं और अपनी पसंद की गाड़ियों को ड्राइव कर सकते हैं। कमाल की बात तो ये है कि यहाँ पर आप लोगों को इंडियन लोकेशंस भी देखने के लिए मिल जाएंगे। अब इस बात पे एक लाइक तो बनता है, साथ ही ढेर सारे गेम मोड्स मिल जाएंगे, कैरेक्टर कस्टमाइजेशन मिल जाता है, जहाँ पर आप लोग जिम जाकर के अपने स्टैमिना को इंक्रीज कर सकते हो, अपने मन चाहे बड़े बड़े घर खरीद सकते हो, और अपने फ्रेंड्स के साथ में मल्टीप्लेयर प्ले कर सकते हो, एक दूसरे के साथ में रेसिंग कॉम्पिटिशन कर सकते हैं। गेम की ग्राफिक्स बहुत ही कमाल की है, और गेम है सिर्फ 300 MB का। ऊपर से गेम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड्स में चलता है। एंड एट लास्ट, चलिए बात करते हैं हमारे वीडियो के फिफ्थ गेम की, जो की है टोक्यो कम्यूट ड्राइवर सिमुलेटर। क्या आप लोगों का मन नहीं करता अपने घर से दूर जाएं और टोक्यो और जापान घूम करके आए, एक ऐसी कंट्री जिसने हमें काफी कमाल के एनिमे शोज दिए हैं। हाँ, मैं ये बात जान रहा हूँ कि ये कर पाना काफी लोगों के लिए संभव नहीं होगा, इनफैक्ट मैं भी नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए मैं ये गेम आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। यहाँ पर आप लोग पूरे तरीके से टोक्यो और जापान की लाइफस्टाइल को जीने वाले हैं। वहाँ ऑफिस जॉब्स कैसी होती हैं, कार ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसा रहता है, वो सब आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। गेम के अंदर रियलिस्टिक फिजिक्स है, गेम के विजुअल्स एंड ग्राफिक्स बहुत ही कमाल के हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ 80 MB
दिए गए साइज में और गेम ऑफलाइन भी है। अच्छा एक और बात, इस गेम के डेवलपर्स की तरफ से एक और गेम आता है जो कि है बाइक डिलीवरी जापान, जहाँ पर आप लोग एक डिलीवरी बॉय का किरदार निभाते हैं जो कि पूरी की पूरी जापान में साइकिल पर डिलीवर करता है। इस गेम की ग्राफिक्स भी बहुत कमाल की है और रियल लाइफ जापान लोकेशंस आप लोगों को देखने के लिए मिल जाते हैं। सो मेरे भाइयों, यकीनन मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आपकी पसंद का गेम मिल गया होगा, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपना फुल सपोर्ट दिखाइएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा, और अगर आपकी पसंद का कोई टॉपिक रह गया है तो भैया कमेंट सेक्शन में बताना, हो सकता है नेक्स्ट वीडियो आपके टॉपिक पर बन जाए। देखते रहिए प्रोटेक्ट, मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।